हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग प्रसाद, गुड इवनिंग अतुल, जय हिंद कुणाल, गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग श्रद्धा, गुड इवनिंग शुभी। आशीष, तुम्हारा दिन कैसा गया? चलो, वेलकम टू दिस सेशन। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 25 क्वेश्चंस ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक सेशन अभी है यहाँ पे यूट्यूब पे, और कल मॉर्निंग में भी जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे शार्प एट 10:15 AM साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक और सेशन रहेगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन अभी आप रात को करके सोएंगे, 25 क्वेश्चन कल आप सुबह करेंगे। इसके अलावा कल जो है यहाँ पे 11:30 से 1:30 बजे तक 2 घंटे का इंडियन इकोनॉमी पे मैराथन सेशन रहेगा। राइट, नाउ दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू एंड हु आर नॉट फैमिलियर विद मी, फॉर देम माय नेम इज अंकुर अग्रवाल, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 14 इयर्स। इफ यू लाइक माय कोर्स देन काइंडली रेट इट एंड रिव्यू इट। ठीक है, यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी। और अगर आप में से कोई भी जो है अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, then you can use the referral code Ankur IAS, you will going to get the 10% discount. ठीक है, अनअकैडमी के न्यू बैचेस 25th of August से शुरुआत हो रहे हैं, और from the 28th of August अनअकैडमी will going to increase the prices. तो आप सब जो है यहाँ पे जो सोच रहे हैं, आप या आपके फ्रेंड्स, वो लोग जो है यहाँ पे अभी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज। इट वॉज सेटअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इट हेल्प्स प्रोवाइड एक्सेस टू द रिस्क कैपिटल थ्रू द टारगेटेड फंडिंग फॉर द बायोटेक सेक्टर। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? ओके प्रसाद, ओके कुणाल, ओके गजेंद्र, ओके अनुराग, ओके किशन, ओके श्रद्धा, राइट आंसर इज डी, राइट 1, 2 एंड 3। बिराक इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन इंटरफेस एजेंसी टू स्ट्रेंथन एंड एम्पावर द इमर्जिंग बायोटेक एंटरप्राइजेस टू अंडरटेक स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम। इट इज अ इंडस्ट्री अकेडमिया इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंट इट्स मैंडेट through a wide range of impact initiatives, चाहे वो risk capital के लिए हो, चाहे वो targeted funding हो, technology transfer हो, etc. चलिए अगला question. हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या होती है, कहां पे यूजफुल है? फाइंडिंग द ऑयल फील्ड, मॉनिटरिंग द क्रॉप हेल्थ, डायग्नोसिस ऑफ द रेटिनोपैथी,
removing the defect and the fallen material in the processed food. Okay, Kunal. Right, Purujit. Right, Anbag. Okay, Gaudi. Right, Akshansh. Answer is D. Right, all of the above. Hyperspectral imaging, like the other spectral imaging, collect and process information from across the electromagnetic spectrum. The goal of the hyperspectral imaging is to obtain the spectrum for each pixel in the image of a scene with the purpose of finding the object, identifying the material, or detecting the process. Okay. Whereas the human eye sees the color of the visible light in mostly the three bands, long wavelength, medium wavelength, and the short wavelength. ठीक है अक्षांश नहीं केशव आंसर इज डी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीटी के बारे में बताइए. It has been used in coordinated international campaign to monitor stellar explosions, comets, and the exoplanets. It is remotely operated using the dedicated satellite communication link from the Center for Research and Education in Science and Technology and Indian Institute of Astrophysics. ओके पुलदीप ओके आशीष राइट शंभवी राइट नितिन यस राइट आंसर सी. द वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड टू मार्क द 20 ईयर्स ऑफ हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप टू हाईलाइट द साइंस इट प्रोड्यूस्ड. It has been used in many coordinated international campaigns to monitor the stellar explosions, comets, and the exoplanets, and has contributed significantly to these studies. The telescope, remotely operated using a dedicated satellite communication link from the CREST Indian Institute of the Astrophysics. ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ई संजीवनी के बारे में बताइए. इट इज एन इंडिपेंडेंट ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन फैसिलिटेटिंग बोथ डॉक्टर टू डॉक्टर एंड पेशेंट टू डॉक्टर टेलीकंसल्टेशन. इट एक्सटेंड द रीच ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज to the masses in both the rural areas and the isolated communities. Which of the statement given above is or are correct? क्या बात है सारे एक के पीछे एक चले हैं. एक का गलत होगा तो सबके गलत होंगे और एक का सही हो तो हो सकता है सबका सही हो. ओके अनुराग ओके अक्षांश राइट संदीप राइट शंभवी राइट नितिन गौरी क्या होगा ओके अनन्या
चलो सही है, यहाँ पे आंसर है सी। ठीक है, गवर्नमेंट ने ई संजीवनी के तहत 4 लाख डॉक्टर टू पेशेंट टेली कंसल्टेशंस का रिकॉर्ड है यहाँ पे। इट इज अ वेब बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टेली मेडिसिन सॉल्यूशन। इट इज एन इंडिपेंडेंट ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन फैसिलिटेटिंग बोथ डॉक्टर टू डॉक्टर एंड पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन। इट एक्सटेंड द रीच ऑफ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज टू द मासेस इन बोथ द रूरल एरियाज एंड द आइसोलेटेड कम्युनिटीज। जी डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, यस राइट अनन्या। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नैनो मेटीरियल, दैट इज दोज विच अकर नेचुरली इन द वर्ल्ड। हीमोग्लोबिन इन अवर वर्ल्ड, सॉरी इन अवर ब्लड, पार्टिकल्स इन द वॉल्केनिक ऐश, नैनो स्ट्रक्चर दैट गिव द कलर टू द पीकॉक फेदर। क्या बात है, गाड़ी आज एक के पीछे एक चली हुई है। ठीक है नितिन, ओके संदीप, ओके आशीष। राइट आंसर इज सी। नेचुरल नैनो मेटीरियल एज द नेम सजेस्ट आर दोज दैट अकर नेचुरली इन द वर्ल्ड। दीज इंक्लूड द पार्टिकल्स दैट मेकअप द वॉल्केनिक ऐश, स्मोक एंड इवन सम मॉलिक्यूल्स इन अवर बॉडीज सच एज द हीमोग्लोबिन इन अवर ब्लड। द ब्रिलियंट कलर ऑफ अ पीकॉक फेदर आर द रिजल्ट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द नैनोमीटर स्केल स्ट्रक्चर ऑन देयर सर्फेस। मैन मेड नैनो मेटीरियल आर दोज that occur from the object or the processes created by the people. Example include exhaust from the fossil fuel, burning engine and some form of pollution. ठीक है पुजीत, कोई दिक्कत नहीं। Next question. Consider the following statement with respect to India AI portal. It is the national AI portal of India and a single central knowledge hub on the artificial intelligence and the allied field in India. It is a joint initiative of Department of Science and Technology, MeitY and the NASSCOM. ओके कुणाल, ठीक है अनन्या, ठीक है मीनाक्षी, ओके शंभवी, ठीक है अक्षांश, बैक नितिन, राइट आंसर इज ए। गुड कुणाल, गुड शंभवी, गुड अक्षांश, गुड नितिन। इट्स अ नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया एंड द सिंगल सेंट्रल नॉलेज हब ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द एलाइड फील्ड्स। ठीक है, ये जॉइंट इनिशिएटिव जो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का है, MeitY का है एंड NASSCOM का है। राइट मंजुनाथ, ठीक है, सो इट इज नॉट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रुसेलोसिस के बारे में बताइए. इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द वेरियस ब्रुसेला स्पीशीज. इट इज अ जोनोटिक डिजीज विच कॉजेज द प्रोडक्शन लॉसेज इन द लाइफ स्टॉक. थैंक यू संदीप. ओके नितिन, पुरजीत क्या होगा, गौरी, ओके अनुराग. यस, राइट आंसर इज सी. डीबीटी फैसिलिटेटेड द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ नोवल ब्रुसेला वैक्सीन, दैट इज ब्रुसेला अबॉटस S19 डेल्टा पर वैक्सीन थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग recently, and an MOU was signed. This vaccine was developed by ICAR, ठीक है, इजात नगर यूपी, through a network project on brucellosis supported by DBT. It is a bacterial disease caused by various brucella species, mainly infect the cattle, swine, goat, sheep and the dogs. जी किशन, इंसानों के लिए भी जो है यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक फंगस जो है यहाँ पे आ गया था. अंबालाल सारा भाई जो है यहाँ पे, वो काफी बढ़ गया था इसके कारण. ठीक है, अगर इंसान में हो जाए, ये प्रेगनेंसी को भी जो है यहाँ पे इफेक्ट करता है. यस, यस राइट अक्षांश. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज जनरली यूज इनक्रिप्शन टू सिक्योर द डाटा ट्रांसमिशन. पेमेंट गेटवे, मैसेजिंग सर्विसेज, वायरलेस माइक्रोफोन्स एंड द ब्लूटूथ डिवाइसेस. ओके आशीष, ओके शंभवी, ओके गजेंद्र. ठीक है अनुराग, ठीक है अक्षांश. राइट अभिषेक, मीनाक्षी क्या होगा इसका. राइट स्पर्श, आंसर इज बी. Encryption is the process of encoding the messages or information in such a way that only the authorized party can read it. For example, word ABC can become BCD in the encrypted form. ठीक है, तो प्रसाद भी जो है यहाँ पे encrypted form में उड़ी बाबा लिख के आ सकता है किसी के पास. If every letter is replaced by Y next alphabet. Those who know how it is encoded can only be able to read ABC correctly. ठीक है, all messaging services like WhatsApp, Viber, Google Chat, Yahoo Messenger use the encrypted services. गजेंद्र, मैंने SMS नहीं कहा बेटा, मैंने messaging services कहा है. ठीक है, राइडर एक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज हैज द एप्लीकेशन इन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन, नार्कोटिक कंट्रोल, बोथ, नन ऑफ द अबव.
पता नहीं भाई, कुनाले तुक्के मार रहा है। राइट स्पर्श, ओके सुमित, राइट आंसर इज सी। नहीं सुमित, इट विल बी सी बेटा। इट्स एन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस, इट कैन डिटेक्ट अप टू 20 एक्सप्लोसिव्स फ्रॉम अ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ द 2 मीटर्स। डिवेलप्ड बाय द हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब एंड आर्म ऑफ द DRDO इन द पुणे एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन द बेंगलोर। द डिवाइस हैज वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द नार्कोटिक्स फॉर द लोकल पुलिस, फॉर कस्टम्स एंड अदर डिटेक्शन एजेंसीज हु नीड टू डिटेक्ट वेरियस एलिमेंट्स विच मे बी एक्सप्लोसिव और द नॉन एक्सप्लोसिव इन नेचर। अक्षांश ये, हाँ यस प्रसाद, चुपचाप से MCQ दो वरना जो यहीं पे ब्लॉक कर दिए जाओगे। प्लेटफॉर्म नहीं है, YouTube पे भी कंट्रोल होता है एडमिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्टेमिस प्रोग्राम। इट इज अ नासा मिशन टू लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द मून टू एक्सप्लोर मोर ऑफ द लूनर सर्फेस। द मिशन एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज, कैपेबिलिटीज एंड द बिजनेस अप्रोच दैट विल अल्टीमेटली बी नीडेड फॉर द फ्यूचर एक्सप्लोरेशन ऑफ द मार्स। ओके पुलजीत, ओके किशन, ओके मीनाक्षी, ओके सुमित, ओके नितिन, नितिन एक सी से भी सी आंसर ही रहेगा बेटा, और 4 सी लिखोगे तो भी वही रहेगा। राइट प्रतिभा, आंसर इज सी। ठीक है, रिसेंटली नासा पब्लिश द आउटलाइन फॉर इट्स आर्टेमिस प्रोग्राम। अंडर दिस मिशन नासा प्लान टू सेंड द नेक्स्ट मैन एंड द फर्स्ट वुमेन टू द लूनर सर्फेस बाय द ईयर 2024। द मिशन ऑल्सो एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द न्यू टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड बिजनेस अप्रोचेस दैट विल अल्टीमेटली बी नीडेड फॉर द फ्यूचर एक्सप्लोरेशन ऑफ द मार्स। फोर सी से श्योर हो जाते हैं। तो सुमित, हर पेपर में फिर 4C की ऑप्शन UPSC को देनी चाहिए। चलो, बाबा कवच। बाबा कवच इज इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट विच कैन विदस्टैंड बुलेट फ्रॉम एन AK-47 असॉल्ट राइफल। It is developed by the DRDO. The jacket is powered with the nanotechnology from Bharat. Okay, Rishabh. Okay, Kishan. राइट स्पर्श, राइट अभिषेक, गुड सुमित, पुजीत, एक बी और डी, एक बताओ। राइट आंसर इज बी। ओह
सॉरी पुलजीत, ये गलत जवाब। राइट आंसर इज बी। बाबा कवच बिल्ड एज द इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट वॉज लॉन्च्ड एट द इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2019। द बुलेट प्रूफ जैकेट डिवेलप्ड जॉइंटली बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड द पब्लिक सेक्टर मेटल एंड मेटल एलॉयज मैन्युफैक्चरर मिधानी। द कवच वेज 9.2 kg, a half kilogram less than weight for the bulletproof jacket prescribed by the Union Ministry of Home Affairs. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Application of nanotechnology in the food sector include delivering the plant growth hormones directly to the plants, designing the antibacterial and the antifungal packaging, making the biodegradable nano sensors for monitoring food temperature and the moisture. ओके, ठीक है सुमित, ठीक है अभिषेक। राइट आंसर इज डी। नितिन गेव द राइट आंसर, श्रद्धा गेव द राइट आंसर, अभिषेक गेव द राइट आंसर। ठीक है, यहां पे है नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कहां कहां पे यूज होती है। एग्रीकल्चर में कहां कहां पे यूज होती है, फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग, सप्लीमेंट्स। अच्छा ये पिक्चर रीडेबल है, मतलब मेरे को तो यहां लैपटॉप पे बड़ी दिख रही है, आपको वहां पे रीडेबल है? अच्छा ठीक है, मैंने इससे कहा कि नेक्स्ट टाइम से अगर पिक्चर डालूंगा तो फिर एक अलग से प्रॉपर पूरी स्लाइड पे उसको स्ट्रेच करके डाल दिया करूंगा। ठीक है, यहां पे जो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सुमित, थैंक यू। फेलुडा टेस्ट समटाइम इन द न्यूज इज पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप टू डिटेक्ट द कोविड एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड कोविड 19 टेस्ट विच यूजेस क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ये टेस्ट सुकृति जी के अच्छा मेल में थी सीएमओ के लिए। ओके, इट इज फास्टर देन द आरटीपीसीआर। हां प्रसाद, तुमने करवाया था ना। ओके सुमित, अनन्या क्या होगा बेटा? Yes, answer is C. Recently, the Drug Controller General of India approved the Faluda or the Feluda, okay, first CRISPR COVID-19 test. This test uses the indigenously developed CRISPR gene editing
technology to identify and target the genetic material of the SARS-CoV-2, the virus that causes the COVID-19. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीएम क्रॉप्स. जेनेटिक इंजीनियरिंग एम टू इंट्रोड्यूस एन एलियन जीन विच कुड बी ओनली फ्रॉम अ प्लांट इन टू द सीड्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. इन इंडिया द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज द एपेक्स बॉडी दैट अलाउज फॉर द कमर्शियल रिलीज ऑफ द जीएम क्रॉप्स. More than 95% of the India's cotton area is under the BT cotton. अरे किशन ऐसे क्यों भेज रहे हो बेटे? मैं एडवांस देता हूं, जोमेटो पे करो, दिल से भेजो, ऐसी क्या बात है. राइट अभिषेक, राइट नितिन. अबे तुम्हारे गांव में नहीं, कोई बात नहीं, हमारे शहर में है, तुम भेजने वाले बनो. जी सुमित कौशिक जी, आपका पूरा नेम भी बोल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, व्हाट आर द जीएम सीड्स. कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग द स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस टू प्रोवाइड द ऑफस्प्रिंग विद द डिजायर्ड ट्रेट ऑफ बोथ द पेरेंट्स. जेनेटिक इंजीनियरिंग एम टू ट्रांसेंड द जीनस बैरियर बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एलियन जीन इन द सीड्स टू गेट द डिजायर्ड इफेक्ट. द एलियन जीन कुड बी फ्रॉम अ प्लांट, एन एनिमल, और इवन अ सॉइल बैक्टीरियम. बीटी कॉटन, द ओनली जीएम क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया, has two alien genes from the soil bacterium that allow the crop to develop a protein toxic to the common pest pink bollworm. ठीक है, और do join the telegram channel that is ethics by Ankur Agarwal. क्योंकि कल मॉर्निंग का जो प्लेटफॉर्म पे रहेगा, ठीक है, मैं उसका जो लिंक है यहां पे क्लास का, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा. नाउ मीजल्स के बारे में बताइए. मीजल्स इज अ हाईली कॉन्टेजियस डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस. इट इज एन एयरबॉर्न डिजीज विच स्प्रेड इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट थ्रू द कफ एंड द स्नीज ऑफ द इंफेक्टेड पीपल. Measles cases has reduced drastically worldwide and 2019 reported the lowest number of cases in the 10 years. Hello Ram Kumar. Okay Nitin, thank you. Kal morning mein bhi Nitin science and technology ka session rahega. After the class I'll going to share the link. Hello Rajan. नहीं नहीं राजन, 15 क्वेश्चन हुए, 15वां क्वेश्चन चल रहा है, 25 क्वेश्चन है. राइट आंसर इज ए. यस राइट अक्षांश, गुड. मीजल्स इज अ हाईली कॉन्टेजियस सीरियस डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस. इट इज एन एयरबॉर्न डिजीज विच स्प्रेड इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट थ्रू द कफ एंड द स्नीज ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल. अभी कल प्रसाद गया था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, उसी टाइम पे जो है यहां पे उसने पूछा आप क्या लोगे, तो प्रसाद ने स्नीज कर दिया.
इंडिया वॉज अमंग द सिक्स कंट्रीज विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ इन्फेंट हु हैज नॉट रिसीव द वैक्सीन अगेंस्ट द मीजल्स. Right? अच्छा गर्लफ्रेंड ही सास थी ये भी सही है. सुमित प्रसाद को सास ज्यादा पसंद आती है. द कंट्रीज विद द मोस्ट रिपोर्टेड मीजल केसेस मेडागास्कर यूक्रेन एंड देन द इंडिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द क्रिएशन ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग द वायरस गारंटी द इम्यूनिटी अगेंस्ट अ फ्यूचर अटैक फ्रॉम द सेम वायरस. सीरो सर्वे फॉर द प्रिवलेंस ऑफ द नोवल कोरोना वायरस टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर डेवलप्ड आफ्टर एन इन्फेक्शन. Yes, right, Ananya. Rajan, बताइए क्या आंसर होगा. Okay, Rishabh. Okay, Abhishek. Okay, Rajan. Okay, Gajendra. ठीक है Kunal. Meenakshi क्या होगा. Pudujit. Sumit. अच्छा ठीक है ऋषभ. ओके बनने का राइट आंसर इज डी. ठीक है. इट इज समटाइम थॉट दैट एवरीवन हु इज इन्फेक्टेड विद द डिजीज कॉजिंग द वायरस एंड रिकवर बिकम इम्यून टू द डिजीज बिकॉज दे बिल्ड द एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट बट दैट इज नॉट द केस. ठीक है. While the creation of the antibodies is necessary for the recovery process, it does not guarantee the immunity against a future attack. ठीक है. कुणाल ने सही आंसर दिया था. तो ये नहीं है वैक्सीनेशन लग गई तो हाँ भी अब कोविड नहीं हो सकता. लग ही रहा था तो राजन बताया तो नहीं. और ऋषभ को ले लो. जनरल स्टेटमेंट होती है तो सर यही आंसर होता है. बोलो अब ऋषभ. चलो. द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बिकम स्पेशल बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू थ्वार्ट द एंट्री ऑफ द सेम वायरस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इन द फ्यूचर. अनन्या बेटा जैसे वैक्सीनेशन ले ली लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि आपकी बॉडी में दोबारा से जहां यहां पे आपको कोविड नहीं हो सकता. इट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल. ठीक है. और सीरो सर्वे जो है यहां पे सिर्फ ये देखते हैं आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज है या नहीं. यार यूपीएससी में ना कुछ फिक्स नहीं है ऑनेस्टली. ठीक है. इसलिए कोई भी ऋषभ प्री माइंड सेट करके तो कभी मत चलना बेटा. रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम कैन रिमूव मेटल आयंस एक्यूएस सॉल्ट्स बैक्टीरिया लेड. ओके ठीक है सुमित. ओके सुमित्रा. आंसर डी.
right? Reverse osmosis can remove many type of dissolved and the suspended chemical species as well as the biological ones. It will remove the common chemical contaminants including the sodium, chloride, copper, chromium and the lead. May reduce the arsenic fluoride, radium sulfate, calcium, magnesium, etc. Brain fingerprinting. It is a method of interrogation in which the accused participation in the crime is investigated by studying their brain response, conducted to study the electrical behavior of the human brain. Supreme Court has ruled that the brain mapping test cannot be forced upon any individual without their consent, and the test result cannot be admitted solely as the evidence. Okay, Sumit. Okay, Tanya. Right, Sumitva. Right, Pratibha. Okay, Sharad. Yes, right answer is D. Okay, BEOSP, also known as the brain fingerprinting, is a neuropsychological method of interrogation in which the accused participation in the crime is investigated by studying their brain response. This test is carried out by a process known as electroencephalogram, conducted to study the electrical behavior of the human brain. This procedure does not involve a question answer session with the accused, and it is rather a neuropsychological study of their brain. ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि बिना जो है यहां पे इंडिविजुअल के कंसेंट के इसको नहीं किया जा सकता. प्रतिभा, इस पे तो पीडीएफ बेटा यहां पे नहीं आएगी, बट यस ऑन द टेलीग्राम यू कैन ज्वाइन इट. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो है यहां पे आपको डाउनलोड हो जाती है. ठीक है, टेलीग्राम लिंक इज एथिक्स बाय अंकुर अग्रवाल. तो अनअकैडमी उस पे भी स्पेशल क्लास में ये फ्री सेशन ही हैं, सो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. That session I used to take Monday to Friday, 10:15 a.m. to 11:15 a.m. every day. Now, medical device park recently seen in the news is to be set up in Gujarat, Maharashtra, Bihar or Kerala. And recently we studied one more thing. There is a one UPSC channel we started it. That is the AIM UPSC with Ankur sir. So, abhi start kiya hai. Us pe Monday to Friday evening mein jo hai yahan pe comprehensive MCQ kiya karenge. So, it is like ki specially abhi prelims ko target karte huye. Unacademy platform, chahe wo platform ho, chahe YouTube ho. In sab pe jo hai yahan pe jyada se jyada questions karwane ki koshish hai. राइट आंसर इज केरला. नहीं, नीलम, इट्स केरला बेटा. इंडियाज फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क टू बी सेटअप इन द केरला. इट विल फोकस ऑन द हाई रिस्क मेडिकल डिवाइस सेक्टर टू प्रोवाइड अ फुल रेंज ऑफ सर्विसेज फॉर द मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री लाइक R&D सपोर्ट, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन. मेड्स पार्क द मेडिकल डिवाइस पार्क एम्फेसाइज एज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ SCTIMST and Autonomous Institute of Department of Science and Technology. बस किशन, इसके बाद जो है रात के 2 बजे तक. जैसे कल मॉर्निंग में जो है अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे ही 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक
I will be conducting the MCQ session of 50 questions. Oh, hello Vidyarani, kaisi hai beta? Welcome to the YouTube. Consider the following statement regarding Guillain-Barré syndrome. हाँ, शुभी अब तो एक्सपीरियंस होल्डर हो गई है. इट्स अ रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया और द वायरल इन्फेक्शन. देयर आर नो रिपोर्टेड केसेस ऑफ द पेशेंट इन्फेक्टेड विद कोविड 19 शोइंग द सिम्टम्स ऑफ गुलेन-बारे सिंड्रोम. यस अनन्या, 11:30 to 1:30 इट विल बी ऑन द यूट्यूब. ठीक है, उसका भी मैं टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगा बेटा. दैट्स व्हाई आई सेड दैट जॉइन द टेलीग्राम. ऑन दैट एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ द अनअकैडमी विल बी देयर. दैट इज एथिक्स बाय अंकुर अग्रवाल. ठीक है नितिन, राइट आंसर इज सी. इन अ रेयर कॉम्प्लिकेशन सम पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद द कोविड 19 have been found suffering from the Guillain-Barré syndrome. In India, such cases have been reported since August. It is a very rare autoimmune disorder. The immune system, in an attempt to kill the COVID or the coronavirus, accidentally start attacking the peripheral nervous system. Next question. Consider the following statement with respect to IATS. It's a computer-based system which manages the operation of the metro trains. It is an indigenously built, communication-based, train control-based signaling technology. ओके अंकित, सारे एक के पीछे एक चल रहे हो. एक का गलत हुआ तो सारे गलत हो गए. ओके राजन, नितिन क्या बोलते हो, चार सी लगाओगे या नहीं लगाओगे? ओके स्पर्श, एक सी लगाओगे. राइट आंसर इज सी. नहीं अभिषेक, इट इज सी बेटा. रिसेंटली द दिल्ली मेट्रो डेवलप मेक इन इंडिया सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी. डीएमआरसी हैज डेवलप्ड एन इंडिजीनियसली बिल्ड कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल बेस्ड सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी फॉर द मेट्रो रेल नेटवर्क. द आईएटीएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विच मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ द ट्रेन. अलॉन्ग विद द डीएमआरसी, नीति आयोग, MOHUA, Bharat Electronic Limited and CDEC are the part of this development. Spice Plus Portal किसके लिए है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के लिए, ठीक है, नो योर न्यूट्रिशन लेवल कैंपेन के लिए. ओके अक्षांश, ओके अनुराग, राइट सुमित्रा, ओके ऋषभ. ठीक है, राइट आंसर इज ए.
यस राइट शरद ठीक है. स्पाइस प्लस इज अ न्यू वेब बेस्ड फॉर्म इन प्लेस ऑफ अर्लियर स्पाइस फॉर्म राइट. स्पाइस प्लस इज अ पार्ट ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स एंड कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. यस गाइस प्लीज डू लाइक एंड शेयर द अनअकैडमी आर्टिकुलेट चैनल ठीक है. ऑल्सो प्रेस द बेल बटन आइकन टू मेक द कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इजियर. MCA has deployed the new web-based form Spice Plus and other registration along with the form. The form offers the 10 services by the 3 central government ministries and the departments, 1 state government and various banks. ठीक है कौन कौन से है. नेम रिजर्वेशन इनकॉर्पोरेशन डिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंडेटरी इश्यू ऑफ द पैन टैन ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन एसिक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी इश्यू ऑफ द प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन यस. स्पुतनिक 5 इसमें तो सारे सही आंसर देना. Yes, EPFO exam on the 5th of September. Now it is like a halwa question for all of us, है ना? Right, Pratibha. Yes, right. अच्छा OPSC 27th को है? Okay, Gajendra. चलो इसके लिए तो सोचने वाली जरूरत ही नहीं है. अरे महंगी होके भी नहीं मिलती बाबा. रशिया हैज रिसेंटली इन द पैक टू टेस्ट द सप्लाई स्पुतनिक 5 वैक्सीन टू इंडिया ठीक है. RDIF विच इज पायलटिंग द रशिया स्पुतनिक 5 कैंडिडेट वैक्सीन करंटली इन द फेज 3 ट्रायल्स हैज पार्टनर्ड विद द हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डी लैब to test and subject to regulatory approval in India. SCA संकेत हरियाणा सिविल सर्विसेज और हिमाचल सिविल सर्विसेज हरियाणा वाले होएगा आई थिंक है ना. राइट असली आम रियल मैंगो समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वैरायटी ऑफ द मैंगो फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स. इट इज एन इलीगल सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर कॉर्नरिंग द कंफर्म्ड रेलवे रिजर्वेशन टिकेट्स. A new system introduced by the Government of India to reduce the export of low quality and illegal mangoes. Government of India sponsored antivirus project which safeguard all the government websites and the portals from the cyber attack. Okay. Okay, Snigdha. Yes, right answer is B. Rajan, अच्छे नहीं लग रहे क्वेश्चन. In a nationwide operation, RPF apprehended 50 men, including the kingpin and the key managers, involved in using an illegal software for ticket booking called the Rare Mango. और बाद में इसका नाम चेंज करके Real Mango कर दिया. हाँ जी सुमित. ठीक है लाइव टिकेट वर्थ रुपीज 5 लाख हैव बीन ब्लॉक्ड एंड द सिस्टम एडमिन रिसीव द पेमेंट इन द बिटकॉइंस.
There was an apprehension of increase in the ticket touting activity after passenger services restarted. ठीक है, और ये बात सच है। देखो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है टेक्नोलॉजी में, जितना टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं, चोर हमसे 4 कदम आगे जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी में होते हैं। ठीक है, हम जब तक अपनी साइट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, चोर उससे पहले अपना जो है यहाँ पे काम कर चुका होता है। कोई बात नहीं कुणाल, तुम सिलेक्शन ले लो, मैं विग लगवा लूंगा। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मेडबोट समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली टू डिलीवर द फूड मेडिसिन टू द COVID-19 पेशेंट डेवलप्ड बाय राइट इंडियन रेलवेज, एम्स, आईसीएमआर, डीआरडीओ। हाँ जी राजन, सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स रिलेटेड है बेटा। ऑल दीज वर बेसिकली बेस्ड फ्रॉम द 2020 ऑनवर्ड्स। ठीक है, ज्यादा जो है यहाँ पे आपको जुलाई 2020 के बाद के मिलेंगे। यस, राइट आंसर इज ए। ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड एसेंशियल आइटम्स लाइक द फूड ग्रेन टू द पीपल, इंडियन रेलवे हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड फैसिलिटीज फॉर द COVID-19 पेशेंट्स। इट हैज डिवेलप्ड अ रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली नेम द मेडबोट टू हेल्प डिलीवर फूड एंड द मेडिसिन टू COVID-19 पेशेंट्स। ओके, नाउ वन इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अच्छा अक्षांश, एक नंबर वन इंफॉर्मेशन, टुमारो फ्रॉम 10:15 टू 11:15 AM अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो यहाँ पे एमसीक्यू सेशन रहेगा। नंबर टू फ्रॉम 11:30 AM टू 1:30 PM वी विल हैव द मैराथन सेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। और ये जो सेशन रहेगा 50 क्वेश्चंस का, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर बेसिकली अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, एक चीज जो है यहां पे कैलकुलेट कीजिएगा, 50 में से बेटा ट्राई टू ब्रिंग 70%, दैट इज 35%, 35 क्वेश्चन जो है यहां पे ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। राइट, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल आप सबसे जो है यहां पे, शुभ रात्रि। यस, मैराथन विल बी ऑन द यूट्यूब एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। थैंक यू।